Good morning, dear students. How are you all? So, students, this is your science class. Take out your books. Today we are going to revise chapter number 9, and the name of our chapter is Safety First. मतलब हमारी safety सबसे पहले है. So, in this chapter we are going to revise. We are going to study about how can we be safe at home. हम घर पे safe कैसे रह सकते हैं? Accident से कैसे बच सकते हैं? And all those important things. Important topics I already mentioned here. One by one we will discuss these. So number one. So सबसे पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि accidents होते क्यों हैं. Accidents happen anywhere. हर जगह हो सकते हैं. At home, at school, on the road or at park. हर जगह accidents हो सकते हैं. होते क्यों हैं accidents? Accidents generally occur due to our carelessness. हमारी लापरवाहियों की वजह से. और when we are in a hurry, या जब हम बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में कोई काम करते हैं तब. कब कब हो सकते हैं? नंबर वन हमारी केयरलेसनेस से, एंड सेकेंड जब हम हरी होते हैं. तो अगर हम ये दोनों चीज़ों से बचें तो मतलब हम एक्सीडेंट से भी बच सकते हैं. तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं सेफ्टी एट होम. घर पे हम कैसे सेफ रह सकते हैं. नाउ आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन टू यू सो इट विल बी मोर ईजियर फॉर यू टू स्टडी. सो हेयर इट इज़ सेफ्टी एट होम की सेफ. घर पर सेफ्टी के लिए क्या करने हैं? इफ़ वी आर केयरलेस वी मे मैनी एक्सीडेंट्स मे टेक प्लेस एट होम. अगर हम केयरलेस हैं तो घर पर एक्सीडेंट्स हो सकते हैं. दिस लाइन देन सबसे पहले हम पढ़ेंगे इन दी किचन. किचन में हम अपनी सेफ्टी कैसे कर सकते हैं? लाइक दिस लेडी इज कुकिंग फूड. नाउ क्या प्रिकॉशंस लेनी है वो हम इसमें पढ़ रहे हैं. नेवर वेयर नायलॉन और सिंथेटिक क्लोथ्स वाइल वर्किंग इन दी किचन. दिस पॉइंट हमें कभी भी नायलॉन और सिंथेटिक क्लोथ्स किचन में नहीं पहनने चाहिए काम करते हुए. क्यों? क्योंकि उनसे जल्दी फायर कैच हो सकता है. हमें हमेशा कॉटन क्लोथ्स वियर करके ही किचन में वर्क करना चाहिए तो हम फायर से बच सकते हैं. नेक्स्ट इज थ्रो वेजिटेबल एंड फ्रूट पील्स इनटू द डस्टबिन. जो भी हम वेजिटेबल्स या फ्रूट्स कट करते हैं हम क्या करते हैं? अगर उसके जो वेस्ट है उसके जो पील्स हैं वो फ्लोर पे गिर जाएंगी तो हमारा पैर भी उससे स्लिप हो सकता है, हमारा एक्सीडेंट भी हो सकता है. तो हमें उनको फ़ौरन ही डस्टबिन में डाल देना चाहिए. नेक्स्ट इज ऑलवेज पिक अप अ नाइफ बाय इट्स हैंडल. नेवर प्ले विद अ नाइफ. जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपका नाइफ है तो हमें क्या करना है? हमेशा उसको उसके हैंडल से पकड़ना है, यहाँ से पकड़ना है. यहाँ से कभी भी ब्लेड को टच नहीं करना है, हमारा हाथ भी हर्ट हो सकता है. नेक्स्ट इज वाइप द फ्लोर इमीजिएटली इफ समथिंग इज स्पिल्ड. कुछ भी अगर गिर जाता है फ्लोर पर तो हमें उसको फौरन ही साफ कर देना चाहिए, अदरवाइज हमारा पैर स्लिप हो सकता है. लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज टर्न ऑफ द गैस स्टोव व्हेन नॉट इन यूज. ये जो गैस स्टोव होता है हमें इसे ऑफ कर देना चाहिए जब हम इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, अदरवाइज इससे गैस लीक होती रहेगी और फायर भी हो सकती है गैस की लीकेज की वजह से. सो दिस वॉज सेफ्टी एट होम इन दी किचन. नाउ नेक्स्ट बाथरूम. वट प्रिकॉशंस वी हैव टू टेक वाइल वी आर इन बाथरूम टू गेट सेफ. कीप द बाथरूम फ्लोर क्लीन एंड ड्राई व्हेन द बाथरूम इज नॉट इन यूज. जब बाथरूम हम यूज़ नहीं कर रहे हैं तो हमें बाथरूम के फ्लोर्स क्लीन रखने चाहिए जिससे हम स्लिप ना हो. प्लेस अ नॉन स्लिप मैट जस्ट आउटसाइड द बाथरूम डोर टू वाइप योर फीट एंड फेस. बाथरूम के बिल्कुल बाहर हमको एक नॉन स्लिप मैट रखना चाहिए जिससे हम स्लिप ना हो जब हम बाहर आएँ. डू नॉट लीव टॉयज एंड बार्स ऑफ सोप ऑन द फ्लोर. वी शुड नॉट लीव एनी टॉयज और बार्स ऑफ सोप ऑन द फ्लोर. कोई भी हमें सोप या फिर टॉय फ्लोर पर नहीं छोड़ना चाहिए, अदरवाइज आर फीट्स मे गेट हर्ट. डू नॉट प्ले विद ब्लेड्स और रेजर. बाथरूम्स में ब्लेड्स एंड रेजर्स होती हैं सो मेक श्योर कि हमें उनसे प्ले नहीं करना चाहिए, अदरवाइज हमारी फिंगर भी हर्ट हो सकती है. नेक्स्ट इज अवॉइड गेटिंग पॉइजन्ड. कि हम पॉइजन्ड होने से कैसे बचेंगे? पॉइजन मीन्स कोई भी चीज़ हजार्डस हो सकती है, जहर हो सकती है, जो भी टॉक्सिक हो सकता है. हम उन चीज़ों से कैसे बचें? डू नॉट ट्राई टू टेस्ट एनीथिंग यू आर नॉट श्योर अबाउट. जिस चीज़ को लेकर हम श्योर नहीं है कि ये चीज़ क्या है, इनकेस वो किचन में है या बाथरूम में है या वेयर एवर इट इज़, हमें उसे टेस्ट नहीं करना चाहिए. स्टेल स्पॉइल्ड फूड कैन कॉज पॉइजनिंग. रखा हुआ जो खाना होता है या ख़राब अगर खाना हो चुका है तो हमें उसको बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, अदरवाइज हमें फूड पॉइजनिंग हो सकती है. सेवरल मेडिसिन्स आर पॉइजनस फॉर चिल्ड्रंस. कुछ मेडिसिन्स ऐसी होती हैं जो चिल्ड्रंस के लिए बहुत हजार्डस होती हैं, पॉइजनस होती हैं, तो वो हमें अवॉइड करनी चाहिए. नेक्स्ट इज़ अवॉइड इलेक्ट्रिक शॉक्स. इलेक्ट्रिक शॉक से कैसे बचना है?
डू नॉट टच इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स विद वेट और डैम्प हैंड्स. अगर हमारे हाथ वेट हैं, गीले हैं, तो हमें कोई भी जैसे स्विच बोर्ड्स होते हैं ना इस टाइप्स के, इन्हें हमें टच नहीं करना चाहिए, हमको इलेक्ट्रिक शॉक भी लग सकता है. ये हमें प्रिकॉशंस लेनी है. इफ़ वाटर इज़ बिंग हीटेड, ऐसे हम बकेट में वाटर हीट करते हैं ना एक इमर्जन रॉड से, पानी गर्म करते हैं, तो उससे हमें टच नहीं करना चाहिए जब वो ऑन है, और जब वो ऑन है हमें बकेट को भी टच नहीं करना चाहिए. नेक्स्ट इज डू नॉट टच द हीटर, डू नॉट टच अ हीटर और इलेक्ट्रिक स्टोव. हमें कोई भी हीटर या इलेक्ट्रिक स्टोव टच नहीं करना चाहिए अदर जब उसका स्विच ऑन होता है. नेक्स्ट इज इन केस ऑफ एन इलेक्ट्रिक शॉक टर्न ऑफ द मेन स्विच. अगर किसी को इलेक्ट्रिक शॉक हुआ है तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, जो मेन स्विच है उसे ऑफ करना चाहिए. नेक्स्ट इज सेफ्टी आउटसाइड द होम. घर से बाहर हम कैसे सेफ्टी रख सकते हैं अपनी, क्या हमें करने चाहिए, क्या मेजर्स हमें लेने चाहिए. ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ, ऑलवेज कीप टू द लेफ्ट. हमें फुटपाथ पर वॉक करना चाहिए, रोड पर नहीं, और हमेशा लेफ्ट साइड ही वॉक करना चाहिए. क्रॉस द रोड ओनली एट ज़ेब्रा क्रॉसिंग और यूज द सर्वे. क्रॉस रोड क्रॉस करते वक्त हमें हमेशा ज़ेब्रा क्रॉसिंग से ही रोड क्रॉस करना चाहिए, और या फिर सबवे यूज़ करना चाहिए. अगर हम रोड क्रॉस कर रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले लुक एट योर राइट, देन लेफ्ट, एंड देन अगेन राइट, देन और मेक श्योर कि कोई भी व्हीकल क्रॉस ना कर रहा हो, तभी हमें रोड क्रॉस करनी है. डू नॉट रन ऑन द रोड, रोड पर रन नहीं करना चाहिए. नाउ फ्यू पॉइंट्स आर, डू नॉट प्ले ऑन द रोड, रोड पर प्ले नहीं करना चाहिए. एंड डू नॉट रश अप एंड डाउन द स्टेयर्स, स्टेयर्स पे भी अप एंड डाउन रश नहीं करना चाहिए. कई बार ऐसा होता है हम जल्दबाजी में ऊपर नीचे स्टेयर्स पे जल्दी करते हैं और हम हर्ट हो जाते हैं. सो वी आर रिवाइजिंग टिल हेयर. ऑन दी नेक्स्ट टर्न वी विल डिस्कस रेस्ट ऑफ द चैप्टर. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू ऑल ऑफ यू.